हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू व्याख्या एडियो। दिस इज़ कुलदीप एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि है होम साइंस, जिसका कोड है 064। इसमें हम बात करेंगे इसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 17 फरवरी को जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड का एग्ज़ाम, जिसमें जो है आपको इसकी अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है और इसका जो एग्ज़ाम होगा उसी से रिलेटेड CBSE जो है अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो है जारी करती है और उसके मार्किंग स्कीम भी, जिससे कि जो है स्टूडेंट्स को हेल्प मिले और उन्हें एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह का जो है एग्ज़ाम का पैटर्न आने वाला है, राइट। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बताना चाहूँगा, अगर कोई भी न्यू व्यूवर्स है हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का एक आइकॉन शो करता है जो कि सब्सक्राइब का बटन होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकॉन नज़र आएगा तो उसे जो है दबा सकते हैं आप, जिससे कि जो है सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलते रहें। तो यहाँ पे वीडियो के नीचे मैंने इसके इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं सभी, जहाँ से आप जो है इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात जानकारी ले सकते हैं और इसके आंसर्स जो है यानी कि मार्किंग स्कीम, वो दोनों ही जो है आपको मिल जाएंगे लिंक्स, तो वहाँ से जो है आप इन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह का जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और इसमें कितने सारे सेक्शंस होंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें ये बताया गया है कि 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा थ्योरी का और 3 घंटे का होता है पेपर। यहाँ पे आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं एंड यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 33 क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 18 तक सेक्शन ए के अंदर आएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं एंड 1 मार्क के हैं सारे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक जो है वो सेक्शन बी में आएगा, जो कि सभी क्वेश्चंस जो होंगे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे एंड उनका आंसर जो देना है वो आपको 10 से लेकर 20 वर्ड्स के बीच में देना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 25, जो कि सेक्शन सी के अंदर आता है, जो कि दोनों ही क्वेश्चन 24 और 25 जो है वो 3 मार्क्स का है हर एक एंड इसमें जो आंसर देना है वो 20 से लेकर 30 वर्ड्स के बीच में देना है। उसके बाद आता है 26 से लेकर 29 क्वेश्चन, जो कि है सेक्शन डी, जिसके अंदर ये सभी क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन डी के वो 4 मार्क्स के हैं और 30 से लेकर 40 वर्ड्स के बीच में आपको इसका आंसर लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30 से लेकर 33 तक, जो कि है सेक्शन ई, ये जो है इसमें सेक्शन ई के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी 5 मार्क्स के हैं, राइट। एंड यहाँ पे जो है आपको 50 से लेकर 60 वर्ड्स के बीच में इसका आंसर देना होता है। इंटरनल चॉइसेस जो दी गई हैं वो सेक्शन बी, सी, डी एंड ई के अंदर दी हुई है और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, यानी जहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत लग रही है किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त, तो उसमें आप ज़रूर एग्ज़ाम्पल दीजिएगा, राइट। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 से लेके 1 काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, राइट। यहाँ पे 9 क्वेश्चन नंबर 9 तक दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डैश स्टेज इज नोन एज प्री गैंग स्टेज, यानी कि आंसर जो है ये राइट साइड में दिया हुआ है, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज इज नोन एज प्री गैंग स्टेज, राइट। इसी तरह यहाँ पे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे तो 5th क्वेश्चन आप देखिएगा, फैट्स एंड डैश रिच फूड्स हैव हाई सैटिटी वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आंसर जो है प्रोटीन्स। तो आप 1st, 2nd, 3rd इन सभी के क्वेश्चंस और राइट साइड में इसके आंसर्स देख लीजिएगा, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप जाके देखिएगा और सोशल मीडिया के सभी लिंक्स
वीडियो के नीचे ही दिए हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन या न्यू अपडेट्स पता लगते रहे आपको। उसके बाद यहाँ पे 9th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन करना है आरडीए का एंड आईसीएमआर का। आरडीए का जो होता है वो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, राइट। एंड आईसीएमआर का जो है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट। उसके बाद ये सिंबल दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल, यानी कि यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिया हुआ है तो हमें बताना है कि ये सिंबल किसका है। तो यहाँ पे है ब्लीच, ब्लीच के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि 11वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंबल 10 क्रॉस ऑन ए शर्ट। तो इसका मतलब होता है इट शोज द एज 10 ईयर्स, राइट। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडल्ट्रेंट इन मिल्क। तो 13वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, NaCl, राइट। उसके साथ यहाँ पे चॉइस दी हुई है, तो सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 15th क्वेश्चन जो कि है ए मैन पोजेजेस 2 बंगलोज, ए कार एंड बिग जीप, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इनकम। तो इसका आंसर होगा मनी इनकम, राइट। ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं वो किस टाइप की इनकम से रिलेटेड है, मनी इनकम से। तो इस तरह के जो हैं यहाँ पे आपके ये चॉइस वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है ये आपका फूड सेफ्टी से दिया हुआ है, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ए फूड आर्टिकल सोल्ड इन द मार्केट कंटेन्स एनी इन्फीरियर और चीपर सब्सटेंसेस, वेदर होली और पार्सली, विच इज इंजीरियस टू हेल्थ, देन सच प्रोडक्ट कैन बी कॉल्ड एज अनसेफ, राइट। तो इसका आंसर है अनसेफ, उसे हम अनसेफ कहेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख पाएंगे कि सेक्शन बी, सेक्शन ए जो था वो सभी उसके जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सभी एक नंबर के हैं, यानी कि एक मार्क है उसका। उसके बाद सेक्शन बी आता है, तो सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे 2 मार्क्स के हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि 19वां क्वेश्चन है, योर ग्रैंडफादर इज यूजिंग सपोर्ट ऑफ स्टिक टू वॉक, इन व्हाट 4 वेज यू कैन एंश्योर एक्सीडेंट फ्री होम फॉर हिम। आप किन 4 तरीकों से अपने घर को एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं, और अगर आपके दादाजी जो हैं चलते हैं किसी स्टिक की सहायता से, तो इसका आंसर जो आप देंगे 19वें का आंसर वो इस तरह दिया जाएगा, यानी यहाँ पे आप पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं और उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 4 कोई तरीके आप बता दीजिएगा किस तरह, तो यहाँ से आप कोई भी 4 तरीके लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है, फ्लोर शुड बी नॉन स्लिपरी, यानी आपका जो फर्श है वो नॉन स्लिपरी होना चाहिए। रग्स एंड कारपेट शुड बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होने चाहिए कारपेट्स। स्टेयर शुड बी वेल लिट, विंडोज शुड हैव ग्रिल्स, राइट। प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन इन द रूम, टॉयलेट शुड हैव ग्रैब बार्स। तो इनमें से कोई भी आप 4 लिख सकते हैं, राइट। इस तरह 20वां क्वेश्चन है, व्हाट इज ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इज ए स्टेट ऑफ एक्सेस फैट इन द बॉडी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और एक्सेस फैट होता है बॉडी में, तो उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। राइट टू पॉसिबल रीजन ऑफ ओबेसिटी इन एडोलसेंट्स, तो इसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, तो रीजंस आप यहाँ लिखेंगे, टू मच स्नैकिंग इन बिटवीन मील्स, रॉन्ग चॉइस ऑफ फैटी फूड्स, राइट। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1+1 मार्क्स इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो ओबेसिटी के बारे में जो पूछा गया वो क्या होता है उसका 1 मार्क्स, और रीज़न जो लिखे हैं आपने 2 रीज़न तो उसका 1 मार्क्स। उसी में चॉइस करके दिया हुआ, राइट डाउन द 4 रिस्क्स ऑफ इंडोलिन इन
अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है फोर रिस्क ऑफ इंडलिंग इन अनसेफ एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इसके यहाँ पे ये सिक्स फाइव पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, जो कि चार आपको पूछे गए हैं। डिप्रेशन, टीनेज प्रेगनेंसी, अनवांटेड एंड स्ट्रेसफुल मदरहुड, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ इन्फेंट, राइट, एक्वायरिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, तो ये सारे। तो इस तरह आप यहाँ से इन्हें भी देख सकते हैं। 21वां जो क्वेश्चन है, योर कुक इज़ गोइंग टू द मार्केट टू बाय टेंट पाइनएप्पल, व्हाट फोर पॉइंट्स ही शुड कीप इन माइंड वाइल बाइंग दिस। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया यहाँ पे कि टिन शुड नॉट बी पफ्ड एंड टिन शुड नॉट बी ब्लगिंग, इट शुड नॉट बी डेंटेड, इट शुड नॉट बी रस्टेड, इट शुड बी एक्सपायर्ड, इट शुड बी सील्ड, राइट। तो ये फोर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप यहाँ से पढ़ के, तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन सी जो है वो, उसमें जो है ये तीन मार्क्स के हैं सारे सेक्शन सी के, राइट, जो कि 24 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये पहला है क्वेश्चन, राधिका इज़ अ डेटिशियन एंड सी इज़ प्लानिंग ए मील फॉर द फैमिली लिविंग इन रूरल एरिया, लिस्ट डाउन सिक्स इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच सी शुड फॉलो वाइल प्लानिंग मील फॉर दिस फैमिली। तो इसका आंसर है एज ऑफ फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स की एज का पता होना ज़रूरी है, राइट, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे मील पैटर्न फॉलोड बाय फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी ऑफ फैमिली मेम्बर्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स क्या है, फूड हैबिट्स ऑफ फैमिली, सेक्स एंड जेंडर क्या है, क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, बजट ऑफ फैमिली क्या है। तो ये आप यहाँ पे कोई भी छः पॉइंट्स आप दे सकते हैं। इसी तरह आपका 25वां क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है चॉइस के साथ, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसके आंसर, राइट। उसके बाद सेक्शन डी आता है जो कि आपका चार मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे भी मार्क्स, मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं किस तरह दिया हुआ है, कितने पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो उसके कितने पॉइंट्स वाइज यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं सेक्शन डी में, राइट। तो यहाँ पे भी आप जो है राइट साइड में इसके आंसर दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो 27वां क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो यू आर ए मेंबर ऑफ कैंटीन कमिटी ऑफ योर स्कूल एंड व्हाट फोर टिप्स यू विल गिव टू ए कैंटीन मैनेजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ कुक्स एंड टू कीप किचन इनफेक्ट फ्री। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि टिप्स क्या दिए जा सकते हैं टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ कुक्स। फर्स्ट है वियर क्लीन क्लोथ्स, वॉश हैंड प्रॉपरली बिफोर कुकिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स, डू नॉट वियर डर्टी फूड वियर इन किचन, कीप नेल्स अनपेंटेड एंड शॉर्ट, डू नॉट लिक फूड, कीप योर हेड कवर्ड। तो इस तरह, राइट, बी जो है टू कीप किचन इनफेक्ट फ्री, उसके लिए क्या दिए जा सकते हैं यहाँ पे सुझाव, जो कि है इंसेक्टीसाइड्स शुड बी स्प्रेड, ड्रेन शुड हैव कॉकरोच ट्रैप्स, वायर मैस ऑन विंडोज एंड डोर्स, एडिक्वेट लाइटिंग इन द किचन, ऑल क्रीवेसेस और ग्रूव्स शुड बी फिल्ड, राइट। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे आंसर्स को लिखेंगे, जैसे कि जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको मार्क्स मिल सकें। तो ये है आपका सेक्शन डी। उसके बाद सेक्शन ई की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ई में जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पे,
जैसे कि यहाँ पे ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सेक्शन ई के अंदर, जहाँ पे कंपेयर 5 कॉग्निटिव ऑपरेशंस ऑफ ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि 3 ईयर ओल्ड और 7 ईयर ओल्ड में कंपेयर करना है आपको, राइट, 5 कॉग्निटिव ऑपरेशंस में। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंक्लूड, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो ये आपका 5 मार्क्स का है। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। 3rd ईयर ओल्ड जो होता है, 3 साल के, तो उसमें अनेबल टू थिंक लॉजिकली, वहाँ पे लॉजिकली थिंक नहीं कर पाता है। पर 7 साल का जो होता है वो थॉट्स आर मोर लॉजिकल। इनएबिलिटी टू कंजर्व, ये 3 साल में, 3 साल के जो भी होते हैं बच्चे उसमें, एंड 7 साल के जो होंगे उसमें एबिलिटी टू कंजर्व इम्प्रूव्स, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे 33 तक है, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे ये एक है, इसी में चॉइस जो दी हुई है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द 5 इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग अर्ली और मिडल चाइल्डहुड। तो यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली एंड मिडल चाइल्डहुड में दी हुई है। अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड में क्या क्या होते हैं, हैव इमेजिनरी फ्रेंड्स अर्ली चाइल्डहुड में, राइट, डिवेलप ए सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इन्जॉय एक्टिंग सिली, एंड स्टार्ट फीलिंग एम्पैथी एंड रियलाइज दैट अदर्स टू हैव फीलिंग्स कैन नॉट कंट्रोल दियर इम्पल्सिस, डो नॉट हाइड दियर इमोशंस, इमोशंस आर शॉर्ट लिव्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो ये सारे अर्ली चाइल्डहुड में है। मिडल चाइल्डहुड में एग्जिबिट्स दियर इमोशंस इन सोशली अप्रूव्ड वे, बेटर इन कंट्रोलिंग इम्पल्सिस, आर चीयरफुल एंड फन लविंग, कैन बी स्टबर्न एंड सेल्फ सेंटर्ड। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको और काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी आपको इसे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है आने वाला है, तो मैं आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। कोई भी सुझाव है या जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो के नीचे मैंने सभी लिंक्स दिए हुए हैं, आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें चैनल को, और सोशल मीडिया पे भी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी क्लास 10th की प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इस सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।